हेलो गाइस, तो स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज हम लोग लगाने जा रहे हैं शरीफा, कस्टर्ड एप्पल, सीताफल जिसे हम बोलते हैं, उसी की कटिंग को लगाने जा रहे हैं। उसकी कटिंग किस प्रकार से लगाई जाती है वो हम इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ये कस्टर्ड एप्पल का प्लांट है। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे जो है फल लगे हुए हैं, और ये फल जो है 1 महीने बाद जो है पकना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत फल इसमें लगे हुए हैं। तो गाइस, ये जो प्लांट है ये करीब 10 ईयर ओल्ड है, 10 साल पुराना प्लांट है। इसे जो है मैंने ही लगाया था, तो हमने इसमें ब्रांच जो है कट कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं हमने से इसमें से एक ब्रांच जो है कुछ इस प्रकार से कट कर लिया है। हमें जो ब्रांच का को चुनना चाहिए, वो ब्रांच जो है ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए या ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, कुछ इस प्रकार की ब्रांच जो है हमें ले लेना है। मैं आप लोगों को वीडियो फास्ट करके दिखाता हूँ। तो गाइस, हमें जो है इसे जो है कट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ऊपर के साइड से भी कट कर लेना है, नहीं तो जो हमारी कटिंग है वो फेल हो जाएगी। तो जो इसमें से पतली पतली ब्रांच निकली है उसे हम थोड़ा थोड़ा कट कर लेते हैं, और जो इसमें लीफ हैं वो कुछ लीफ को जो है हम इसमें छोड़ देंगे, ताकि प्लांट जो है जो हमारी वो ब्रांच है वो अपनी ग्रोथ कर सके, पत्तियों से अपने भोजन बना सके। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार से इसे कट कर लिया है। अब जो है हम इसे डायरेक्ट जो है कोकोबीट में लगाएंगे बिना किसी रूटिंग हार्मोन्स के। आप जानते हैं कि जो कोकोबीट होता है उसमें नमी होती है और रूट ग्रो काफ़ी अच्छा हो जाता है, चाहे आप किसी रूटिंग का हार्मोन्स का इस्तेमाल करें या ना करें। तो हम जो है इसके छिलके को किस प्रकार से निकाल लेंगे कट करके। हमें इसे अच्छे तरीके से जो है इसके बार के नहीं छिलकों को साफ कर लेना है, और जो हमारा हाथ है वो गाइस जो है साफ़ सुथरा रहना चाहिए, नहीं तो उसमें जो बैक्टीरिया और फंगस लग जाएंगे और ये जो कटिंग है वो नहीं लग पाएगी और सूख जाएगी। तो गाइस, आप वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमने जो इसके ब्रांच को जो है कट करके जो छिलका है इसके इसे अच्छे से जो है छील लिया है। अब जो है आप देख सकते हैं इस डिब्बे में जो है हम कोकोबीट को भर दिया है कुछ इस प्रकार से। अब जो है इसमें डायरेक्ट हम जो ये जो ब्रांच जो हमने काटा था, अब जो है डायरेक्ट हम इसमें लगा देंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं एक ब्रांच को हमने लगा दिया है, दूसरा ब्रांच जो मोटा वाला है उसे भी लगा देंगे। तो गाइस, अब जो ये लग चुका है, अब जो है हम क्या करेंगे इसके ऊपर से जो है एक पॉलीथीन जो है लगा देंगे, ताकि इसमें जो हवा ना जाए और नमी जो है बनी रहे, नहीं तो जो हमारी ब्रांच है वो सूख जाएंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमने इसके ऊपर से पॉलीथीन से कवर कर दिया है। अब जो हम इसे सेफ जगह पर रख देंगे ताकि हिले डुले नहीं। तो गाइस, आप देख सकते हैं 2 महीने बाद जो है हम इसे आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं। 2 महीने बाद जो इसमें की सारी पत्तियां जो है वो पूरी तरह से गिर चुकी हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं इसमें से जो ब्रांच है वो निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, इसमें बड़ निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ब्रांच निकला है।
अब जो है गाइस हम इसे निकाल कर देखते हैं कि जो है इसमें से जड़ निकला है कि नहीं निकला है। तो गाइस जो पतला वाला था उसमें से ब्रांच अभी नहीं निकला है, तो हम उसे ऐसे ही रख देंगे। और जो ब्रांच निकल चुका है उसमें निकाल कर देखते हैं कि जड़ निकला है कि नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं इसमें से जो रूट्स हैं वो 2 मंथ में जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुकी हैं। आप देख सकते हैं महीन महीन जो है रूट्स निकल चुकी हैं कुछ इस प्रकार से। तो गाइस अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो गाइस हमने इसे आप लोगों को पानी में धुल कर जो है दिखाया है, काफ़ी अच्छी रूट्स निकली हैं। तो गाइस अब जो है हम इस प्लांट को जो है मिट्टी में लगा देंगे। तो मिट्टी में लगाने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने खुरपी से जो है मिट्टी में गड्ढा कर लिया है। और मिट्टी में जो नमी है वो पहले से बनी हुई है। तो गाइस हमें जो लगाना है इस प्लांट को मिट्टी में ज़्यादा दबाना नहीं है, नहीं तो रूट्स जो है वो बहुत मुलायम है और टूट जाएंगे या दब जाएंगे तो जो हमारी कटिंग है वो फेल हो जाएगी और लग नहीं पाएगी। तो हम इसमें पानी डाल देंगे लगाने के बाद जो है। अब जो गाइस हम क्या करेंगे इसमें जो है आप देख सकते हैं ये अविनाश P3 रूटिंग हारमोन्स हैं। और रूटिंग हारमोन्स को जो हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे ताकि जड़ जो है वो सूखे नहीं और फंगस ना लगे। तो हम इसमें से थोड़ा सा रूटिंग हारमोन्स डाल दिया है। तो गाइस आप देख सकते हैं 5 मंथ हो चुके हैं और ये प्लांट जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।